खबरों की नई पहचान। झरिया पुनर्वास नीति के तहत भूधसान अग्नि प्रभावित क्षेत्र से लोगों को विस्थापन कर बेलगरिया टाउनशिप में बसाए गए लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। विस्थापन नीति के तहत पुनर्वास किए हुए लोगों को 2 साल में 1,80,000 मिनिमम वेजेस मिलनी थी, साथ ही 10,000 शिफ्टिंग अलाउंस मिलना था, लेकिन पुनर्वास के 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो इनको मिनिमम वेजेस मिला ना ही शिफ्टिंग अलाउंस मिले, जिससे आक्रोशित होकर दर्जनों लोग मंगलवार को जेरेडा ऑफिस पहुंचे और प्रशासन के वादा खिलाफी के खिलाफ कार्यालय का घेराव किया। पुनर्वास नीति के तहत बेलगड़िया में पुनर्वास किए हुए लोगों ने कहा कि 5 वर्ष पहले डीसी एसडीएम बीसीसीएल अधिकारी के आश्वासन के बाद हम लोग बेलगड़िया में शिफ्ट हुए। आश्वासन दिया गया था कि 10,000 शिफ्टिंग अलाउंस तुरंत साथ मिलेगा, साथ ही 22 वर्ष तक प्रति माह के हिसाब से मिनिमम वेजेस 1,80,000 दिया जाएगा, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। हम बनाएंगे तो आपको पैसा क्यों दे सर, बताइए। आप बनाइए, लेने का हकदार रखिए। जो पैसा लेता है वो कुछ देता है? नहीं, कुछ नहीं देता है। लोग खा जाता है, सब बांट के खाता है। 5,000 रुपये लिए सर अगस्त महीना में भारी बरसात में। सर वहाँ पर डीसी के द्वारा मीटिंग किया गया, डीसी एसडीओ हम लोग शिफ्टिंग करवाने के लिए बहुत एड़ी जोर लगा दिया था, और हम लोग एक बोली पर जो आज हम लोग की बात सुनते हैं, हम लोग 3 लड़का आके थे सर वहाँ के थे, हम थे शिवदया शंकर था, हम लोग सबको उठा कर लाए, किसी कुछ बोलने वहाँ नहीं दिए थे कि आप लोग चलिए, डीसी साहब से बात हो चुका है, जैसे जैसे बात बोले थे कि आप जाइए वहाँ शिफ्टिंग का पैसा हाथों हाथ मिल जाएगा। इसके बाद दो साल के अंदर 500 दिन का मिनिमम वेज जो मिलना चाहिए वो भी आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन सर आज 5 साल होने को है, एक किस्त मिला शिफ्टिंग का हम लोग वो दौड़ने के बाद करीब 1 साल बाद ही मिला वो भी, और 2019 को मिला हम लोग का आपका एक किस्त अलाउंस का ये मिनिमम वेज का, और बाकी पूरा बाकी है सर। बोले हम लोग फाइनल कर देंगे अक्टूबर से, यहाँ बोला आए भी थे उन्हें बीच में बहुत, तो बोला अक्टूबर में फाइल यहाँ रेडी किया हुआ है, लेकिन यहाँ का प्रभारी सैन ही नहीं किया उस पर, और आज देख लीजिए नया साल मार्च होली आने को है, जबकि हम लोग दुर्गा पूजा पैसा मिलने का था। कितना पैसा देने की का 1,80,000 का बात था सर, टोटल मिनिमम वेजेज और शिफ्टिंग लेकर। नहीं, शिफ्टिंग अलग सर, शिफ्टिंग अलग था सर। इसके बाद देखिए सर आप दिक्कत क्या है, हम लोग देखिए यहाँ पर दरखास्त दिए हुए थे छत सीलिंग का और टंकी मरम्मत के संबंध में, वहाँ जो टंकी बनाया छत में पूरा बरसात में पानी छूटता है सर, सब मतलब दीवार पूरा प्लास्टर सब जगह छूट गया, तो इसका लिए हम लोग एक लेटर दिए हैं सर, लेकिन इस पर भी बोला कि यहाँ का पारिवारिक लेटर लिख के दीजिए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, आज तक सर कुछ नहीं हुआ। तो अभी अभी आश्वासन क्या मिला आप लोगों को? अभी आश्वासन यही मिला कि यहाँ नया प्रभारी आए हुए हैं, बोला हम समझ रहे थे 2-4 दिन में आप लोग को हम प्रयास कर रहे हैं कि होली के पहले जो शिफ्टिंग मिनिमम वेज का जो बाकी फाइनल आप लोग को दिया जाएगा। आरोप तो बहुत संगीन है, ऐसी स्थिति में लोग फिर से वापस जहाँ से लाए हैं वही जाने को तैयार है। नहीं, ऐसा नहीं है, आरोप संगीन है कि बात सही बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का पेमेंट हुआ है, पूर्व में भी पेमेंट हुआ है, इनका किस्त वाइज पेमेंट किया जाना है। अब हम भी यहाँ पे नया ही ज्वाइन किए हैं, इस मैटर को हम भी जल्द टेकअप कर रहे हैं, देख लेते हैं कि क्या इन लोगों का पेमेंट बकाया है और इन लोग की क्या समस्याएँ हैं, क्यों पेमेंट नहीं हो पाया है, और कोशिश रहेगा मेरा कि जितना जल्दी इन लोगों का पेमेंट बकाया है, चाहे वो मिनिमम वेजेस का हो चाहे वो शिफ्टिंग अलाउंस हो, और कुछ कट ऑफ डेट वाला भी मैटर इन लोगों को बताया गया है कि कुछ कट ऑफ डेट वाला भी है, तो वो सारा कुछ देखते हुए उसका सॉल्यूशन जल्द ही निकालेंगे। लेकिन जब शिफ्ट किया गया था उस समय कहा गया था शिफ्टिंग के साथ साथ 2 साल जो इन लोगों का जो मिनिमम वेजेज है वो भुगतान कर दिया, लेकिन 5 साल हो गया फर्स्ट पूर्व के पदाधिकारी पर सीधे सीधे है जो कुछ नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फेज का हमको बताया गया, अभी बताया गया है कि फर्स्ट फेज में जितने भी यहाँ शिफ्टिंग किए थे सभी का अनाउंस पेमेंट कर दिया गया है, यही है ना। सेकेंड फेज के कुछ लोगों का वहाँ का पेमेंट बकाया है, अब किस लिए बकाया है ये हम भी देख चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरा अभी जस्ट आया हुआ 2 या 3 दिन ही हुआ है, हम यहाँ पर नया ज्वाइन किया है इस ऑफिस पे, और जैसा भी रिपोर्ट दिया गया है कि इन लोगों का शिफ्टिंग अलाउंस का कुछ पार्ट पेमेंट हुआ है और मिनिमम वेजेस का कुछ पेमेंट पार्ट हुआ है, कुछ पार्ट का पेमेंट हुआ है, और जो मिनिमम वेजेस 500 दिनों का हो एकमुश्त नहीं दिया जाना, जो कुछ पार्ट या 2 पार्ट या 4 पार्ट में कुछ है वो क्लियर कर लो।